हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं मैथ के सबसे बेस्ट ट्रिक। मतलब कोई भी मैथ का सवाल होगा आपको सिर्फ 5 सेकंड में बनाना सिखा दिया जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे स्क्वायर बनाया था 5 सेकंड में, और कोई भी नंबर का मैंने स्क्वायर बनाना सिखा दिया था। अब ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो मैन है, ठीक है? उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे नंबर्स जिसको और भी आसानी से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 50 के आसपास होते हैं उनका मैं देखो कैसे स्क्वायर निकालता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 47, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो ये 50 के आसपास है, आपको पता होगा। तो 50 के आसपास में कोई भी नंबर का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, तो उसमें हम लोग जो काम करते हैं ना, 50 के आधे पे मतलब 25 पे काम करते हैं, ठीक है? इसको बस माइंड में रखना है। 25 नंबर एक ऐसा होता है जिसपे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है? कैसे वर्क करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से आपका 3 कम है, आपको पता होगा। तो 3 का स्क्वायर निकालो। सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है? 0, 9। मैंने बता दिया 0 क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेट है हमेशा 2 डिजिट हम लोग लेते हैं, 0, 9 हो गया। और ये कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो ये 25 में घटा दो, कितना आ गया आपका? 22। बस 22 आप यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर रेडी। एक लाइन में बन गया देख के, मतलब कितना इजिली हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है? पहली बार में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 42, ठीक है? 42 का स्क्वायर करना, तो 42 देखिए कितना कम है, ये 8 कम है, 50 से ये 8 कम है, ओके? तो पहले मैं 8 का स्क्वायर ले लूंगा, 64, ठीक है? और ये 8 जो कम है ना, वो हम 25 में माइनस कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 17, ठीक है? तो 17 को बस यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर रेडी। चलिए कुछ और नंबर को देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर, ठीक है? ये कितने कम है, तो ये आपका 5 कम है, तो डायरेक्ट हम 5 कम है तो उसको 25 लिख देंगे, और 5 जो कम है उसको हम 25 से माइनस करेंगे। मतलब ये सब माइंड में करो, 25 से 5 माइनस करेंगे 20, डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख दो, आपका आंसर रेडी, ठीक है? अब इतने करने की जरूरत नहीं है, और भी फास्ट बनेंगे, ठीक है? देखो जैसे हो गया 43 का स्क्वायर करना है, कितने कम है? 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 को हम लोग 25 से माइनस करेंगे, मतलब 18 लिख दो, आंसर रेडी, ठीक है? तो आप लोग देख रहे हो कितनी आसानी से देख के आप लोग स्क्वायर बना रहे हो, मतलब और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। एक दो लाइन जो हम लोग कर रहे थे वो भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखो और आंसर आ गया। अब ये जितने भी नंबर मैंने लिए थे सारे 50 से नीचे थे, अब मैं लूंगा 50 के ऊपर, ठीक है? मतलब ऐसे नंबर जो 50 से प्लस रहेंगे, ठीक है? जैसे कि 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर करना, तो सबसे पहले ये कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 0, 4, ये आपको पता होगा, ठीक है? और जितना ज्यादा है ना, वहां पे हम लोग 25 में माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में प्लस कर देंगे, बस यही ट्विस्ट है। 25 में हम लोग 2 प्लस कर देंगे, क्या हो गया? 27, बस यहाँ पे 27 लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है? कितना ईजी है, मतलब 50 के ऊपर जितने भी नंबर होंगे बस हम लोग उसको 25 में ऐड कर देंगे, और 50 के नीचे जितने नंबर होंगे उसको 25 से माइनस कर देंगे, ठीक है? एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 ऐड कर दो, 29, बस 29 यहाँ पे लिख दो, आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, देख के स्क्वायर निकलेगा। देखो एक और नंबर लेते हैं, 56, 56 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और 50 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, इसको 25 में ऐड कर देंगे, मतलब 31, देख लो आंसर आ गया। मतलब देख के आप स्क्वायर निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? देखो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 59 का स्क्वायर निकालना, ठीक है? ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, और जो ज्यादा है उसको हम लोग 25 पे ऐड कर देंगे, 25 पे ऐड करेंगे 34, ये आप देख सकते हो स्क्वायर आ गया। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना और भी आसान है, पहले के जो ट्रिक थे उनमें से भी ये और भी आसान है, इसको आप देख के निकाल सकते हो, ओके? तो अब तक जितने भी हमने ट्रिक बताए वो सारे 2 डिजिट पे वर्क कर रहे थे, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा 3 डिजिट पे, मतलब तो अब हम लोग बड़े नंबर को स्क्वायर करने वाले हैं, मतलब जो
थ्री डिजिट फोर डिजिट के होते हैं उसको हम लोग करेंगे, और ये जो प्रोसेस मैं बताऊंगा ये यूनिवर्सल प्रोसेस होगा, मतलब इस प्रोसेस से आप कोई भी नंबर का कर सकते हैं स्कोर। अगर अब तक जितने भी मैंने प्रोसेस बताया अगर उनमें से एक भी याद नहीं रहता है तो बस ये वाला प्रोसेस याद रखना, इसमें एक से लेकर लाखों तक आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 112 का स्क्वायर। ठीक है, तो 112 का स्क्वायर करना है, तो इससे पहले स्टेप में क्या करना है, इसको जीरो करना है। मतलब इसके सामने आप देखो कौन सा डिजिट है जो जीरो में आता है, मतलब इसके सामने आप देखोगे 100 जो कि पूरा पूरी जीरो वाला आता है, इसको मुझे 100 करना है। तो इसको 100 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 12 इसमें घटा दूंगा। ठीक है, 12 इसमें घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 100। ओके, लेकिन इसमें अगर 12 हम घटाएंगे तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 और जोड़ना भी पड़ेगा। मतलब जितना आप घटाओगे उतना आपको जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक है। तो जितना आपने घटाया उतना आपने जोड़ दिया, तो एक स्टेप में आपको ये 100 मिल गया। अब दूसरा स्टेप में जो भी मिलेगा उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 112 में मैंने 12 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 124। ठीक है, दो स्टेप कंप्लीट, 124 हो गए। अब देखो कितना हमने जोड़ा कितना घटाया, 12, तो उसका मुझे स्क्वायर निकाल के साइड में रख लेना है। मतलब 12 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो 144 हमें मिलेगा। ठीक है, 144 हमने साइड में लिख लिया। अब देखो इस इक्वेशन में कितना जीरो दिख रहा है, इक्वेशन में जितना जीरो दिखेगा उतने जीरो को काट के वहां से उतना डिजिट उठाना है। ठीक है, जैसे कि दो जीरो था, हमने दो जीरो काट दिया, दो डिजिट उठा लिया, इसको आप सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे 124 × 1 = 124, और वहां से मैंने दो डिजिट उठा लिया, उठा के मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, तो क्या ये आपका रिजल्ट हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि वहां से मैंने दो डिजिट उठाया था बट ये जो वन डिजिट है वो अभी बचा हुआ है। फिर इसका क्या करना है, तो इसको क्या करना है, देखो दो डिजिट हमने उठाया और ये जो वन है ना वो कैरी हो जाएगा, मतलब आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे वाले नंबर के साथ वो ऐड हो जाएगा। मतलब इसका रियल आंसर हो जाएगा 12544, ये आपका रिजल्ट है। और अगर यहाँ पे कैरी ना रहे तो फिर कोई आगे ऐड नहीं होगा, टोटल उतना उठा के आप बैठा दो, आपका रिजल्ट आ गया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो अब समझ में आएगा। कोई नंबर लेते हैं 208। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो इसको मुझे जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 200 बनाने के लिए मैं इसको 8 माइनस करूंगा तो मेरा ये बन गया 200। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मैंने क्या किया, जितना माइनस किया उतना प्लस किया, मैंने कर दिया प्लस। फिर प्लस करने के बाद ये क्या आएगा, 216 आया। ओके, और ये जो मैंने माइनस प्लस किया इसका मुझे स्क्वायर निकाल लेना है साइड में, मतलब ये आपका 64 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने जीरो है, दो जीरो है, तो मेरा पूरा दो डिजिट उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, ये आ गया, और वहां से दो डिजिट उठा के आप यहाँ पे बैठा दो, आपका रिजल्ट आ गया। समझ में आया, कितना सिंपल है। ये जो ट्रिक है ना ये यूनिवर्सल ट्रिक है, इसमें कोई भी नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा एक से लेकर लाखों तक। मतलब जितने भी ट्रिक मैंने पहले बताया वो तो ईजी था, अगर वो सब याद नहीं रहते तो बस इसको याद रखना, इससे सारे नंबर आपका बन जाएंगे, कितने भी बड़े बड़े नंबर लो। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 100 या 200 या 300 पे ही आपको आना है। ठीक है, आप कहीं भी इसको ला सकते हो, जहां भी आपको जीरो दिखे। जैसा कि कोई एक नंबर है 142 का स्क्वायर, ठीक है, अब 142 का स्क्वायर करोगे तो आप इसको 100 नहीं बनाओगे, ना ही इसको 200 बनाओगे, इसको आप क्या करोगे 140 भी बना सकते हो। मतलब जहां आपको जीरो दिख रहा है बस वहीं पे आप वर्क कर दो, इसको 140 करेंगे। 140 करने के लिए 2 माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया 140। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा तो 144 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, स्क्वायर हमेशा हम लोग दो डिजिट में लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे एक जीरो है कट गया तो एक ही उठेगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, एक डायरेक्ट उठ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो 14 को आप करो 10 + 4 कर दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 6 11 10 2, ये आपका आ गया। और यहां से मुझे ये 4 उठाना है, बस यहां से मैंने इस 4 को उठा के ला दिया, आपका आंसर सामने।
ठीक है, मतलब जहां भी आपको जीरो दिखे वहां पे आप वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 100 200 पे ही करो, कितने भी बड़े बड़े नंबर का आप कर सकते हो। जैसा कि आप 987, ये कितना कॉम्प्लेक्स आप खुद देख सकते हो, ठीक है। इसका मुझे करना है, तो इसका आप करोगे तो इसको 1000 करोगे, 1000 इसमें 13 प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000, और इसमें 13 माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा। और फिर 13 का आप स्क्वायर कर लो 169, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 0 है तो तीनों डिजिट उठ जाएंगे, और इसको सॉल्व करोगे तो 974, और तीनों डिजिट उठा के आप यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ गया। मतलब आप ये देख सकते हो 987 का स्क्वायर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, आप खुद देख सकते हो। 3 डिजिट है और कितनी बड़ी डिजिट है, लेकिन मैंने क्या किया, बस एक लाइन में बना दिया। मतलब कितना सिंपल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो जिस तरह हमने स्क्वायर बनाना सीखा, अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट बनाना वो कैसे होगा, वो भी 5 सेकंड में बना होगा, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पहले आप सीखो, बेसिक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ 5 सेकंड में, ठीक है। और ये सारे ट्रिक्स को लेके चलेंगे ना, तो फिर मेरा इतना टाइम सेव होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब विद इन 5 सेकंड आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड का शेयर जरूर कीजिएगा, और ये सीरीज शुरू से एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मैथ से डर लगता है तो वो मैथ का डर अब खत्म होने वाला है। और नए लोग जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।